चेंज करना यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है। अभी सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो मैंने जर्मनी आने के बाद किए थे, सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक, टीके, सब कुछ, क्योंकि हर जगह पर ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। फेडरल 52 एंड 54 का फ्लोर प्लान और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, इनका किचन किस तरह का होता है, वॉशरूम किस तरह का होता है। 52 और 72 का फ्लोर प्लान सेम है और 54 का और 70 का फ्लोर प्लान सेम है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक। आज काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है और मौसम बहुत ही प्यारा है जर्मनी में, और नीचे ये सफाई करने वाले आ भी गए हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर 2 से 3 घंटे के बाद ये आके सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ रही है तो लोगों ने गुजरना होता है तो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। और एक चीज़ ये है कि हम कुछ दिनों में रूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्रोसीजर मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, क्योंकि इसमें आपकी रूम चेंज करने में हेल्प भी हो जाएगी अगर किसी ने संडे में रूम चेंज करना हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा फेडरल 52 एंड 54 का फ्लोर प्लान और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, इनका किचन किस तरह का होता है, वाशरूम किस तरह का होता है, रूम का साइज़ वगैरह किस तरह का होता है, क्योंकि मैं 52 में रह रहा हूँ, 54 में रह रहा हूँ और मैं 52 में मूव कर रहा हूँ कुछ दिनों में। आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो कल हम हाउसमास्टर से मिलेंगे, उससे डिस्कशन करेंगे कि वो हमारी इस रूम की इंस्पेक्शन कब करेगा, क्योंकि रूम छोड़ने से पहले इंस्पेक्शन करवानी होती है और उसके बाद कीज़ वगैरह लेके नेक्स्ट रूम में शिफ्टिंग करेंगे और सारा इसमें रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो यहाँ पर रूम चेंज करना कितना मुश्किल होता है। 52 और 72 का फ्लोर प्लान सेम है और 54 का और 70 का फ्लोर प्लान सेम है, तो जब मैं आपको इन दो बिल्डिंग्स का फ्लोर प्लान दिखाऊंगा तो इसका मतलब है कि उनका फ्लोर प्लान भी सेम है, तो आपको उनका पता चल जाएगा। 64 और 66 का थोड़ा डिफरेंट है, तो उस वजह से वो आपको, उसके लिए मैं शायद सेपरेट वीडियो बनाऊँ किसी फ्रेंड की मदद से अगर वहाँ पे कोई रह रहा होगा, लेकिन हमारे ज़्यादा दोस्त जो है ना वो 52, 54, 70 और 72 में रहते हैं। तो कल हाउसमास्टर से मिलते हैं, देन उसके बाद जब रूम की चेंजिंग करेंगे तो मैं बाकी क्लिप्स तब रिकॉर्ड करूँगा। तो ये चेक करें व्यू हमारे न्यू रूम से, और रूम की की मिल चुकी है तो अभी चलते हैं अंदर। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, कीज़ पड़ी हुई हैं, क्योंकि कीज़ मेरे पास दोनों रूम्स की हैं अभी। और ये थोड़ा सा रूम का व्यू देख लें, ये टेबल है, ये हीटर है, ये विंडो है, यहाँ से सारा व्यू आएगा, और बेड, ये कबर्ड, कबर्ड को क्योंकि जिस तरह हम रूम छोड़ते हैं तो इंस्पेक्शन कर हाउसमास्टर करता है, इस तरह से जब हम रूम लेते हैं तो रूम की इंस्पेक्शन खुद करनी होती है, और कोई भी फॉल्ट होगा मैं उसको बताऊंगा। और जिस तरह से ये रूम खाली है, मैंने अपना रूम बिल्कुल खाली करके देना है, वो सामने उस्मान का रूम है, दोनों की कीज़ मैं लेके आया हूँ अभी, तो अभी मैंने चेक किया कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है इसमें, बाकी एक वीक का टाइम होता है तो हमने सारे फॉल्ट्स को नोट आउट करके एक लिस्ट मिलती है उस पर लिख के हमने उनको देना होता है। तो अभी जाता हूँ अपने रूम पे, रूम से सारा सामान पैक करता हूँ, पैक करके इधर शिफ्ट करता हूँ, फिर उसको खाली करता हूँ, बहुत काम है। तो हाउस मास्टर प्री इंस्पेक्शन करके जा चुका है, तो अभी मैंने पैकिंग करनी है अपने सारे सामान की। जब मैं आया था तो मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ 2 बैग थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूजेज की हर चीज़ है मेरे पास, तो अभी देखते हैं कि सामान कितने बैगों पर आता है। 2 बैग मैं अली से लेके आया हूँ, तो अब इसको पैक करते हैं तो फिर मूव करते हैं उस रूम में, और मैं इस रूम को जब खाली करूंगा तो आपको एक दफ़ा दोबारा लेआउट दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी वीडियो में तो नज़र आ ही रहा होगा आपको। चार बैग भर चुका हूँ और मैं थक गया हूँ, बहुत सामान है और अभी मुझे लगता है आधा सामान हुआ है। तो अभी मैंने फ़ोन किया अली को, तो वो कहता है कि वो कुल सामान देख रहा है, तो
थोड़ी देर बाद में करते हैं। उस्मान एग्जाम देने गया हुआ है, कादर सोया हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं भी उतनी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो ये लोग आते हैं तो फिर बाकी जो पैकिंग वगैरह तब करते हैं, देन उधर मूव करते हैं। आज मैंने अपना रूम हैंड ओवर करना है, तो ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, ये सफाई सफाई करने के लिए कपड़े थे जो मैंने रूम हैंड ओवर करने से पहले सफाई करनी थी। तो ये रूम का स्ट्रक्चर देख लें, तो ये यहाँ पे कबर्ड है किचन के सामान के लिए, तो ये भी छोटी सी कबर्ड है, ये टेबल है एक, ये किचन है, इसका चूल्हा ये वाला ख़राब है इसलिए मैंने ये दिया हुआ है, ये सिंक है नीचे, इसके फ्रीज़र है, और ये बेड है, ये स्टडी टेबल है। तो ये रूम मुझे बहुत कम्पैक्ट लगता था, लेकिन फिर मैंने ना सोचा मूव करते हैं, थोड़ा सा रूम खुला रहते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। 70 और 54 का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक दो फर्नीचर का फर्क है, बाकी डिज़ाइन यही है। अभी मैं आपको टॉयलेट दिखाता हूँ, ये सिंक है, ये शीशा लगा हुआ है, ये नहाने वाला, तो यहाँ पे कमोड, और बस ये इतना सा वॉशरूम है। जो भी आपने वॉशरूम में डोर देखा जो आपको सामने नजर आ रहा था वो साथ वाले रूम का था, इस रूम का था, क्योंकि इसमें टॉयलेट जो होता है वो शेयर होता है साथ वाले रूम के साथ। तो जब वो इधर टॉयलेट में एंटर होता है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, तो वो इसको ऐसे चेंज कर देता है, तो ये लॉक लग जाता है, और पीछे रेड साइड पर मैं पता चलता है कि वो रूम के इस टॉयलेट के अंदर ऑक्यूपाइड है, और फिर जाते हुए वो इसको टर्न कर देता है वापस से, और यही काम मैं रिपीट करता हूँ तो ये वाइट हो जाता है। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता था इस साइड का, मैंने जो रूम लिया वो ऊपर से साइड का लिया है, इस वाली साइड मैंने सामान को दी है इस बार। तो ये कबर्ड है सारा सामान रखने के लिए, और ये मेन लाइट। रूम चेंज किया था मैंने, सोचा चेयर भी चेंज करते हैं, तो नई चेयर ऑर्डर कर ली है, अब इसको करते हैं अनबॉक्स। चेंज करना यहाँ पे इतना आसान भी नहीं है, अभी सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो मैंने जर्मनी आने के बाद किए थे, सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक, टीके, सब कुछ, क्योंकि हर जगह पे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट वगैरह आगे पीछे हो जाती हैं तो फिर मसला होता है, क्योंकि
समटाइम कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनका रिप्लाई करना पड़ता है, वो अगर रिसीव नहीं होगी तो मसला होगा। इसलिए उस टेंडर भी होल्डे रात हाउस में आए थे, यहाँ पर एड्रेस चेंज किया, अभी बैंक जा रहे हैं, देन टीके जाएंगे, तो वहाँ पे एड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, तो ये सारे स्टेप्स बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो काम सारे निपट चुके हैं, टीके में अभी टीके से आ रहा हूँ, बैंक भी चक्कर लगा लिया है, एड्रेस वगैरह चेंज हो चुका है। तो डिटेल वीडियो देखने के लिए यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा होगा इधर कहीं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं कि जर्मनी आने के बाद आपने जो स्टेप्स करने होते हैं वो आप किस तरह से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, सिटीजनशिप वगैरह, टैक्स आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक और ठीक है सब कुछ आपको ना वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको करवाता हूँ रूम इसका विज़िट अपने वाले का, जिसमें मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ। रूम में एंटर होते ही आपको अपनी जैकेट्स और कपड़े लटकाने के लिए मिल जाएंगे। ये खिड़कियाँ हैं, डोर, ये शेल्फ वगैरह है। ये रूम थोड़ा बड़ा है उससे, उसमें ये था कि वाशरूम मेरे रूम के अंदर आ रहा था, हाफ वाशरूम, यहाँ से किचन और वाशरूम बाहर आ रहा। तो ये चेयर का बॉक्स पड़ा हुआ है, ये चेयर जो इन्होंने दी है। फिर ये अपना सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, ये कबर्ड है और ये किचन है यहाँ पे सेपरेट, और ये वाशरूम। तो यहीं तक था जो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।